पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस ने सोनिया गांधी का वीडियो शेयर किया है, जिसमें कई मौकों पर सोनिया गांधी पति राजीव गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो में सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी की खूबसूरत तस्वीर को दिखाया गया है, जिसमें दोनों की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही है। गौरतलब है 1968 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी हुई थी। उस वक्त उनकी शादी के खूब चर्चे भी हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी ने भारतीय परिधान को पहना हुआ है, सोनिया गांधी साड़ी में नजर आ रही हैं। हालांकि 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी बिल्कुल अकेली हो गईं, लेकिन हर साल वह अपने पति की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर वीरभूमि जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ तस्वीरों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें राजीव गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सफेद कपड़ों में नजर आ रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें राहुल गांधी दादी इंदिरा गांधी की गोद में बैठे हुए हैं, जबकि सोनिया गांधी पति राजीव गांधी को देख रही हैं। प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की गोद में बैठी हुई हैं। राजीव और सोनिया के प्यार के रिश्ते को समझने के लिए तस्वीरें काफी हैं। गांव की गलियां या भीषण गर्मी के बीच देश का दौरा हो, सोनिया गांधी पति राजीव गांधी के साथ साये की तरह नजर आती दिखी हैं। अब सोनिया और राजीव की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें राहुल और प्रियंका काफी छोटे हैं। नन्ही प्रियंका मां सोनिया गांधी की गोद में है, जबकि राहुल गांधी पिता राजीव गांधी की गोद में हैं। गौरतलब है 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।